आपके लिए यहाँ पर हाजिर हैं लेकर एक नया शो जिसमें कि आज आपको सनातन शस्त्र विद्या के बारे में बताया जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं पूजनीय निहंग निडार सिंह जी, आपका स्वागत है इस शो में। तो आज आप क्या बताने वाले हैं? ये मतलब जो सनातन शस्त्र होते आपने ये मतलब जो अपनी जद्दी जो हिस्टोरिकल आर्ट है जो क्षत्रिय आर्ट है जो शिवजी महाराज तो मान लो आदि व शिवा तो प्रचारित होती पशुपत कपाला नाथ सिखा रही जो पुरातन राजपूत हुए ने जो मान लो जाट हुए ने मराठे हुए ने जो सिख हुए ने जो उनकी पुरातन कला से जो अंग्रेज दबी गई सप्रेस की गई ये विद्या हूँ बाद प्रचारित हो गई जिमें अपने इतने अमेरिका कनेडा यूरोप सारे ये पुरातन वेदा के शास्त्रा के ग्रंथा के आधार हैगी है पूरे पुरातन मान लो इतने तक भी कि पुरातन तस्वीर जो मान लो चित्रकारी वो दाख हैगी है। ये खाड़ा जो है हाँ खाड़ा मतलब स्कूल ये 1661 तो लगता चल रहा बाबा दरबार सिंह खाड़ा तो यह सीना पसीना मान लो चलाए मान लो चलती हुई है बहुत चेर मान लो अंग्रेजा के मतलब दबी गई उस तो बाद फिर बहुत चेर गुप्त ही रही हूँ क्योंकि गुप्त स्त्री इन्नी हो गई कि मान लो इस नाम से आ जाए खत्म हो गए। और आज जी उस्ताद जी है वे मोहित आए दे भी ये आप भी दस सकते जिम्मे मोहित आए दे कल्चर जो है पहले मान लो माजापति राजे हुए हैं माजापति राजे जो हुए हैं अपने हिंदुस्तान तो मान लो उन्होंने मान लो बंगाल तो लैके दखन तक लैके सारे इंडोनेशिया मिले उन्होंने 100 साल ही राज किया उसे 1000 साल राज किया उसे अजे भी इंडोनेशिया का कल्चर लै लो थाईलैंड का कंबोडिया का उत्थे रामायण आज बहुत महत्वपूर्ण है अजे भी उन्हें मान लो राम दी कथा चल रही सारिया जो मर्जी उन्हें धर्म बुद्धि हो धर्म जो मर्जी इस्लाम हो जो मर्जी हो सभ्यता मतलब उन्होंने कल्चर में यह हिंदुस्तान का सनातन मान लो जो परंपरा रची हुई है ये उस्ताद जी आप समझा जिमें मतलब जितने जो मोटे भी करते हैं उस पैंतरे है मतलब गुरूर के पैंतरे है उसमें मतलब को हनुमान के पैंतरे है इस तरह हूँ जी आ भी विद्या ये घर की विद्या ये विद्या जो मान लो ये माजापति एम्पायर मतलब 9वीं सदी में नाथ बाबे हुए ने नाथा के जरिए फिर उधर गई है जेडे मान लो है चीन में विद्या ये तक्षशिला तक्षनाथ तक्षशिला तक्ष मान लो भारत का पुत्र से मान लो श्री रामचंद्र के गां नेफ्यू से यह मान लो अज तो मान लो ये 5th century BC में लगभग बुद्धियां जरिए चीन पहुंची है हजे भी चीन जापान पुरातन मानते कि बुरी धर्म लैके आए हैं कि बुरी विद्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान सब तो पुरातन स्थान मार्शल आर्ट्स का पर अफसोस की गल है ये वापस लिया रहे हिंदुस्तान कि मान लो अगे पुरा अपने ये भी गल है कि हिंदुस्तान कि आ रहे हैं कि गुप्त खेडे नाथ के चेले जिन भेद पाया तिन्हें छुपाया कि जिन्हें जिन विद्या लै ली उन्हें छुपा ली कोई दर्जी भी होन भी अपने टांके लाने छुपाने एक दस देने अपने लैके मर जाते अपने पर हूँ यह समा नहीं है जो आप हूँ ये विद्या ना संभालिया अपन ना वंडिया ना शेयर किया ना प्रफुल्लित किया इसने सदा लिए खत्म हो जाए अज इतने समझाया गया जिमें हनुमान जी पैर दबा दे नहीं झक हाँ पैर जिमें बार होंगे ये मान लो मर्यादा मान लो जी ये हम संभालन का टाइम आया जी तो हमें वापस आ रहे हैं हम मतलब उस्ताद जी साथ मान लो होना जो तुम नहीं विद्या कर सकते चर्चा करो नहीं कर सकते आके देखो सुनो की चीज़ हैगी है बाकी उस्ताद जी तो पूछ लो कि मान लो किस तरह मतलब कि विद्या है पूरा सनातन जो शस्त्र विद्या जो उस्ताद जी ने बताई वो मैंने देखा कि मुआई थाई में कम से कम 80% वही सब शेषनाग युद्ध काली युद्ध के कई छोटे छोटे से पैतरे इसमें आते हैं श्री हनुमंती युद्ध मल युद्ध का सारे जो टेक्निक देखी मैंने वो थाईलैंड वाले कर रहे हैं थोड़ा सा विशुद्ध है प्योर नहीं है थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ मिलता जुलता है अगर हम इसको उसमें बिल्कुल शुद्ध करके प्योर करके उसमें मिला दें तो मुझे लगता है कि मुआई थाई में भी बड़े बड़े इंडिया से प्लेयर निकल सकते हैं और फाइट के लिए तो खैर सेल्फ डिफेंस के लिए गर्ल्स के लिए और लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी तो मुझे लगता है वाकई में सनातन जो विद्या है हमारी उसका पूरा पूरा प्रभाव मुआई थाई पे है क्योंकि थाईलैंड के अंदर भी जो मैंने हमने ट्रेनिंग की वहाँ पे यही मिला सुनने को कि श्री रामायण में श्री हनुमान और श्री राम के द्वारा बनाई गई आर्ट है मुआई थाई इसीलिए इससे मिलती जुलती है। बात शुरू करूँ उससे पहले ये कि पता नहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम मैं यहाँ खड़ा हूँ और थोड़े दिनों पहले जब नरेंद्र भाई से मुलाकात हुई तो हम लोग तो सनातन की जो संस्कृति है जो सनातन की जो विलुप्त होती चीज़ें हैं त्यौहार संस्कृति दिवस जो संस्कार है जो संस्कृति है
उनके लिए बहुत कुछ काम करते रहते हैं, बच्चों के बीच में जाके, बड़ों के बीच में जाके, महिलाओं के बीच में जाके कि दिवाली को कैसे मनाना है, देव दीपावली चली गई, बहुत सारे त्यौहार ऐसे जो हमारे मिट छवि से हटते जा रहे हैं, उनके लिए काम करना, बहुत सारी चीज़ें जो मोरल एजुकेशन जो हमारी है, मोरल वैल्यूज है जो ख़त्म हो रही है, उसके लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। तो मैं नरेंद्र भाई से हमारी मुलाकात हो गई, नरेंद्र भाई ने जब ये विषय समझाया तो एकदम नया ही विषय आ गया कि भाई धरती में ये भी कुछ नया है। हम तो सोचते थे कि भाई गाँव में दंगल देख लिया यही हमारी कुश्ती है, और लेकिन जब नरेंद्र भाई से मिले तो पता लगा कि भाई जामबंद युद्ध भी होता है, कोई गरुड़ युद्ध भी होता है, कोई नंदी युद्ध भी होता है, कोई हनुमान युद्ध भी होता है, सबकी अलग अलग विधियाँ हैं। और जैसा ये, और आज एक और 10 कदम जाके एक सौभाग्य हो गया मेरे लिए कि माननीय निडल सिंह जी नेहम जी आज मुझे मिल गए और नरेंद्र भाई के माध्यम से मिल गए। और हम सबके लिए अच्छा है कि जैसे उन्होंने बताया कि ओनली वन मास्टर इन द वर्ल्ड और द सनातन शस्त्र विद्या, और ये मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि वो अकेले ही ना रह जाएं सारे नौ और इतने सनातन शस्त्र विद्या के इतने जो 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 संस्कृति जो हमारी चीज़ खो गई है उसको पुनः उस वैभव को भारत पाए और हम सब लोगों के भारत में पाए, हम सब लोग उसके साक्षी बने और उनके मार्गदर्शन में बने, ये अपेक्षा है और वो करेंगे ऐसा हम सब मानते हैं। और दूसरी बात जो है कि एक बड़ा अजीब सा मन को फील होता है कि भाई आखिर कितना रिच हम लोग हैं, कितनी चीज है हमारे पास, कितने शस्त्र हैं, कितनी विद्याएं हैं। इन्हें उन्होंने जैसे भी करके दिखाया कि इतना पकड़ा और झटके भी नहीं आप तसादी लगा लो, तो कितना भारी हम लोग युद्ध कर रहे हैं, जानते कि ताकत यहाँ से लगानी है कि यहाँ से लगानी है। तो योग है, प्राणायाम है, उन्हीं से ये सब चीज़ें जागृत होती हैं जैसा मैं समझता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आगे वो हमारे बीच आए, ये हमारा सबका सौभाग्य, भारत के लोग समझे ना समझे पर भारत की धरती का भी सौभाग्य अगर वो हमारे बीच में है तो हम लोग उसका, और ईश्वर ईश्वर की विद्या है, ईश्वर ने ही इसका उपयोग किया है, ईश्वर ने ही हमें दिया है। और ईश्वर अपने काम के लिए बहुत थोड़े लोगों को ही चुनता है और जिनको चुना है वो सब यहाँ है, तो वो शायद हम सब के माध्यम से ही कुछ अच्छा करवाना चाहता है और उनके मार्गदर्शन में कराना चाहता है। वो हमारे बीच में है, हम सब उनके मार्गदर्शन में इस विद्या को आगे बढ़ाएंगे जितना हो सकेगा, हर संभव तन मन धन से कोशिश करके ये जितनी फैल पाए और बच्चों के बीच में जा पाए। हमारे बच्चे क्यों करने से गिर रहे हैं, हवा से गिर रहे हैं, और कहाँ कौन सा हमारा रिच इतिहास है, जिस रिच इतिहास से हम लोग आए हैं, भीम जामवंत और अंदर तो पैर लगा दिए जमीन पे तो हिले नहीं, ऐसी धरती से हम लोगों का हमारा इतिहास है, पता नहीं क्या पढ़ा दिया हमें। तो उनके माध्यम से हम सब चीज़ें सीखें, हम सब लोगों को पता चले और हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हमें मिल गया जिसको ये सब कुछ पता है और जो हमें बता रहा है और हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, सौभाग्य की बात है। और ईश्वर की हम पर बड़ी कृपा है कि हमारे हम उनके साथ खड़े हैं। इतनी बातों के साथ आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और धन्यवाद मिले। मैं एक चीज रखना पै रहा थोड़ा अगे बता रहा कि मेरा शरीर चलो मैं गलत करना पा लेकिन फड़ इतने मौसम देखे हम जे मैं मान लो इतों पैदा हम फट का मजबूत पकड़ा पे है पठानकोट इतना हाथ का जो मसल ना किया जाए है मसल ना जोर किया जाए फिर मान लो मैं हम दबा लिया एहसास होना मसल ये हम चके चक चक होने चकना पुन सीता कहता होना देखो हम थोड़ी जाते वो मैं सुटी लाइनी पर मैं वजन इतने सुटना मैं ये ना हो कि मैं वजन छड़ता तेजा कोई सुधी रिलैक्स हो अंग्रेजा ने फिर प्रबंधियां ला दी हिस्टोरिकली अंग्रेज राज आदमी हाथ पाल गए गादन मार के गादन इतना उबलिया सो रिट के
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਪੱਖੀ ਪਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਹ ਆਹ ਮਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਆ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਾ ਮਸੋ ਨਾ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਨੋਰਮਲੀ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 1 2 3 ਦੇ ਦਾਦਾ ਨਾ ਵਾਚ ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਚਾ ਤਰ ਮੋਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਰਿਲੈਕਸ तो आज हमने अपना पूरा दिन गुजारा इस राजधानी मुए थाई एसोसिएशन के इस जिम में, जहाँ पर आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ रहे गुरु नरेंद्र कुमार जी और साथ में निहंग निडर निडार सिंह जी। और अब हमने यहाँ पर क्या सीखा और हमारा क्या अनुभव रहा, एक बार इनसे बात कर लेते हैं जी। तो आज आपने यहाँ पर जो कुछ सिखाया और जिन लोगों को सिखाया, आपका क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस? वैसे हम बहुत खुश हैं कि इतने मतलब दिलचस्पी है कि ये पहचानते कि अपना पुरातन विरसा जो अपना कल्चर हैगा, हिस्ट्री हैगी, जो क्षत्रिय मर्यादा हैगी, कि ये कदर है इतने। इन्हें भी खुश है कि हुण पैर हुण रखने थां मिल गया, हुण बैठने जगह बनाने ये विद्या इस इन्ने में ही खुश है कि नौजवान इतने मतलब लड़कियाँ भी आ सारे तो आप भी साथ देंगे तो हमने विद्या आप वापस लिया हाँ देने इन्ने में खुश। नरेंद्र कुमार जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इतनी पुरानी जो स्नातक विद्या है उसको समझने का मौका मिला। और मुझे मैं बहुत समय से ये ढूंढ रहा था कि मुए थाई में देखता था तो मुझे सारा हिंदुस्तान में कल्चर दिखता था पुराना, लेकिन उसका स्टार्टिंग नहीं मिली थी कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। आज मुझे पता लगा वो हमारी स्नातक विद्या जो बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट हुई उसका मुझे आज स्टार्टिंग दी। तो मुझे लगता है कि वो आगे हमें बहुत अच्छा रहेगा और हम स्नातक विद्या को आगे बढ़ाएंगे और स्पोर्ट्स हर स्पोर्ट में। मैंने जो सोचा सनातन विद्या की जो टेक्निक है बेसिक जो है उसको हर स्पोर्ट्स में भी डाल सकते हो, आप उससे कोई मतलब नहीं कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं। साढ़े इतने कनेडा अमेरिका बास्केटबॉल प्लेयर पूर्व भी होने होर स्पोर्ट्स वाले होने क्योंकि बॉडी मैकेनिक्स मिला गया किसी भी स्पोर्ट में डाल सकते हैं। तो ये मुए थाई के बिल्कुल छूटे हुए क्योंकि ये मुए थाई भी एक श्री हनुमान रामायण के अंदर श्री राम द्वारा बनाई गई और सनातन विद्या हमारे हिमाचल उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा और महाराष्ट्र से अच्छे अच्छे लोग आए और कई जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं इंडियन मार्शल आर्ट के और मार्शल आर्ट के कुछ उनके ऐसे लोग जो यहाँ पे आके आज इस चीज़ को समझा सनातन विद्या को और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो उसको बड़े बड़े चेयरमैन और उसकी संस्थाएं उनके लोग भी आके आज इस चीज़ को देखा समझा वो भी बड़े खुश हुए। तो मेरे लिए यही बहुत समझने की बात है कि आज हमारे यहाँ गुरु लीडर सिंह जैसे लोग हमारे इस पे और हमारे चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे रणभूमि शो में हिस्सा बने। अगले शो में आपको अगली जगह लेकर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कहाँ पर क्या होगा। थैंक यू एंड बाय।